नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल अरुण कोबरा शेवर में। और हमारे एक दत्ता मेजर हैं, वो रास्ते से जा रहे थे, उनको सांप दिखा था, उन्होंने कॉल किया मुझे और मैं आया हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सांप है। तो दत्ता सर को ड्यूटी जाना था इसलिए वो निकल गए और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सांप है आपको, जिसको हम रेड सेंड बोआ बोलते हैं। वो एक नाले में गिरा हुआ है और दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे, मतलब क्या है और कैसे उसको रेस्क्यू करते हैं। तो वो जा रहा है रेड सेंड बोआ। ये कौन सा है? ये तो पहचान का है, मैं उसको पहचान नहीं जा रहा हूँ। प्लीज ये है हमारा रेड सेंड बोआ। कितने केजी का होगा रे पसंद? क्या केजी का क्या करेगा बता दो। कितने? मोबाइल सीधा पकड़ वैसे। हाँ, लोग बोलते हैं कि इसको दो मुंह का सांप, तो देखिए दो मुंह का सांप नहीं होता। मैं आपको दिखा दूं, इसके मुंह और पूछ सामने, फिर मोबाइल वैसे पकड़ रहा है। चालू रख, ऐसे ही पकड़ के रखना मोबाइल को। ये देखो, इसकी मुंह और पूछ एक जैसी दिखती है, इसलिए लोग इसे बोलते हैं कि ये दो मुंह का सांप होता है। पर इसके दो मुंह नहीं होती है, मुंह एक ही है और ये है मुंह और पूछ ये है। लोग बोलते हैं कि 6 महीना इधर से खाएगा पिएगा चलेगा और 6 महीना इधर से, पर ऐसा होता नहीं है। कोई भी जानवर का दो मुंह ऐसा नहीं होता है, एक ही मुंह होता है, पर इसकी शकल और पूछ एक जैसी दिखती है, इसलिए लोग इसे दो मुहा बोलते हैं। और ऐसे इंग्लिश में इसका नाम रेड सेंड बोआ है और ये ज़्यादातर ज़मीन के नीचे ही मिलेगा। बस खाने के लिए जो है कि कभी कभी ये ऊपर आता है और अभी ठंड का मौसम भी शुरू हो रखा है तो धूप भी इनको लगना चाहिए, इसलिए कभी कभी धूप खाने के लिए बाहर आते हैं। और एक अफवाह ये भी है कि लोग इसे तस्करी को लेकर के ज़्यादातर बोलते हैं कि इसकी तस्करी होती है और लाखों करोड़ों में बिकता है, पर ये सारा अफवाह है और जिसके चलते ये बेचारा अनबोलता जानवर मारा जाता है। तो ऐसा ना करें, कभी भी जो है कि सांप की तस्करी के अफवाह ना फैलाएं और उसके चक्कर में ना आए। और अगर ऐसी कोई बात होती, कहते हैं करोड़ों मिलता है, तो मुझे ही दे देता, मैं नौकरी छोड़ के चला जाता अभी घर पर। तो ये सब अफवाह वाली बात है, इस पर ध्यान ना दें। धीरे धीरे तब तक धन्यवाद।